Hello, I'm Joanna, and welcome to a show world of Bollywood. Here, we'll fill you in the inside happenings of B-Town. Who signed which limb, who dished whom? Hookups, breakups, link-ups, everything presented to you in this half hour. But before we start, let's check out what's making headlines today. शाहरुख ने मुंबई के दादर में किया फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस का लास्ट मिनट प्रमोशन. अपने फेवरेट सुपरस्टार को सपोर्ट करने उमड़ा फैंस का हुजूम. IIJW के ग्रैंड फिनाले में सोनम और चित्रांगदा ने किया रैंप पर सिजल. मिलवाएंगे बॉलीवुड की टू शॉपहोलिक एक्ट्रेसेस से एक स्पेशल रिपोर्ट में. दिखाएंगे लॉन्ग टाइम नो सी अभिषेक बच्चन का फन साइड विद हिज मेकअप आर्टिस्ट. और साथ ही बताएंगे कि ट्यूसडे एकता कपूर की इफ्तार पार्टी में मुंबई में रहते हुए भी क्यों नहीं आई विद्या बालन कपूर. दिस इज द ट्रिब्यूट टू तलाइवा. मुझो को थोड़ा राउंड घुमा के अन्ना के जैसा चश्मा लगा के. शाहरुख ने किया दादर की जनता को एंटरटेन. दीपिका ने किए सिद्धि विनायक गणपति बप्पा के दर्शन. और लास्ट मिनट फिल्म प्रीव्यू से निकलते हुए भी भीड़ के बीच शाहरुख ने कर दिया चेन्नई एक्सप्रेस के फ्लैग ऑफ होने का ऐलान. Everybody seems to be liking it, so we are happy. And inshallah, next few days, I'm happy everybody's smiling. जी हाँ, ये तीनों नजारे हैं चेन्नई एक्सप्रेस की टीम के लास्ट मिनट प्रमोशंस और प्रेयर्स के, जो कि फिल्म की रिलीज से एक दिन पहले साउथ मुंबई को डीरेल कर गए, बट ऑफ कोर्स इन अ प्लीजिंग मैनर. और सबसे दमदार इवेंट तो ऑफ कोर्स यही रहा, जहां एक क्लोथिंग ब्रांड के साथ टाइप के चलते शाहरुख और रोहित शेट्टी पहुंचे मुंबई के दादर एरिया की जनता के बीच. डबल डबल होती थी जो कभी कभी तकलीफें. और यहाँ फैंस का हुजूम देख शाहरुख ने भी इन्हें जमकर एंटरटेन किया. बहुत बहुत धन्यवाद सारे पुलिस मन का कि आप हमारी मदद कर रहे हैं. सॉरी मैं आप लोगों को तकलीफ दे रहा हूँ, अभी निकल जाऊँगा यहाँ से पहले कि मुझे अरेस्ट करें. पहले अपने कुछ डायलॉग सुनाए. आपको जिंदगी में हर किस्म की खुशी मिले और कामयाबी मिले. बिकॉज डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ ग्राउंड का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं. हार कर जीतने वाले को बॉडीगार्ड कहते हैं. बम कम बद बर्दाश्त करने के लिए पीता है. हम तो पीते हैं कि यहां पर बैठ सकें, तुम्हें देख सकें, तुम्हें बर्दाश्त कर सकें. लेकिन चंद्रमुखी एक पारो की याद है जो भुलाए भूली नहीं जाए. और फिर ये लुंगी डांस दिखाया. अन्ना के जैसा चश्मा लगा के तुम्हें तुम्हें लस्सी मिला के आ जाओ सारे मुंडी बने. अन्ना के जैसा चश्मा लगा के तुम्हें तुम्हें लस्सी मिला के आ जाओ सारे सबका. और शायद इन फैंस के प्यार के आगे ये सब भी कम था, तो शाहरुख ने अपना स्पेशल जेस्चर दिखाया इस रिस्की रेलिंग पर चढ़कर. Okay.
पर लोग हैं, आप सबको ईद की बहुत 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 मुबारकबाद है। और मैं दुआ करता हूं कि आप लोगों की सारी जो ख्वाहिशें हैं, सारी उम्मीदें हैं, सारी खुशियां खुदा आपको न्याजे सारी खुशियों से, और आपको हेल्दी रखे, आपके बच्चों को खुशहाल रखे। रही बात फिल्म को थिएटर्स में मिल रहे पॉजिटिव रिस्पांस की, तो उस पर भी शाहरुख ने जाहिर कर दी अपनी खुशी। बहुत खुशी हो रही है, मैंने सुना एक्चुअली, मुझे किसी ने फोन करके बताया अहमदाबाद से हमारे दोस्त कि ऐसा एक कुछ सीनियर सिटीजन का ग्रुप है, क्लब है, जिन्होंने पूरा बुक किया है, तो बहुत अच्छा लगता है। और उस फिल्म के अंदर एक्चुअली जो पहली इमोशन है वो एक ग्रैंड फादर से शुरू होती है, और फैमिली फिल्म है जैसे मैंने कहा। तो अब मैं वेट कर रहा हूँ कि कोई स्कूल से फ़ोन आएगा कि 7 साल के जो बच्चे हैं उन्होंने भी पूरा थिएटर बुक किया है, तो 7 से लेकर 70 जब हो जाएंगे तब बहुत खुशी होगी। फिल्म ऐसे ही हमने बनाई है कि एवरीवन शुड एंजॉय, जो हमारे बड़े होते हैं वही हमें सही रास्ता दिखाते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि इन बड़ों के नक्शे कदमों पर चलो, सब जवान लोगों को जल्दी जल्दी जाओ और बहुत सारे थिएटर बुक। और ईद के मौके पर फिल्म की सक्सेस का ये डबल जश्न कैसे मनाने वाले हैं शाहरुख, ये भी सुनिए। इस बार जो ईद है आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आपके घर पे नन्ना एक फरिश्ता आया हुआ है, साथ ही बहुत ही पिछड़े दोस्त अब आपके साथ हो चुके हैं, फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को खास ईद के लिए बुलाने वाले घर पर। मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट आप लोग हैं, आप आइएगा दोपहर को, और जब आएंगे तो ऐसा बिरयानी वगैरह खाते हुए बातचीत करेंगे। And coming to Deepika, जो सिद्धि विनायक मंदिर में जाकर फिल्म के लिए दुआ मांगती दिखी, उन पर भी शाहरुख ने ये कहकर जताया कि चेन्नई एक्सप्रेस उनकी पूरी टीम के लिए कितनी मायने रखती है। हम तो सारा दिन दुआ करते रहते हैं, पूजा करते रहते हैं, मन्नत मांगते रहते हैं, और हाँ दीपिका सिद्धि विनायक गई थी, हमको भी एक्चुअली जाना था लेकिन ये प्रिंट के चक्कर में लगे हुए थे, मैं दूसरी मार्केटिंग के चक्कर में लगा हुआ था। सो हमारे लोग चारों तरफ फैले हुए हैं जो दुआएं मांग रहे हैं, और सबसे ज्यादा जो ऑडियंस है जो हमारी फिल्म देखने आएगी, आई होप हम उनको खुश कर सकें, तभी हमारी दुआएं पूरी हो। वेल शाहरुख वी गेस, इसीलिए इतने ओवरवर्क्ड होने के बावजूद आपने इन फैंस को एंटरटेन करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू ऑल द लिटिल बॉयज एंड गर्ल्स, ऑल द लेडीज, ऑल द मेन, थैंक यू दादा। होपिंग कि आपकी ये मेहनत और दुआएं रंग लाएं और चेन्नई एक्सप्रेस को बॉक्स ऑफिस पर मिले सुपर फास्ट एंड सुपर फैट कलेक्शंस। सुरुचि माथुरकर को रेजिंग मुंबई। कपूर का देसी अवतार, चित्रांगदा सिंह का रॉयल लुक, वेल ये है इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी वीक का ग्रैंड फिनाले, जहां ये बॉलीवुड ब्यूटीज नजर आई डॉनिंग सम एक्सक्विजिट ट्रेडिशनल पीसेस ऑफ इंडियन ज्वेलरी। सोनम कपूर जो IIJW की एम्बेसडर भी हैं और जो IIJW के फर्स्ट डे पर रैंप पर एक वेस्टर्न लुक में नजर आई थी, इस बार सोनम फॉर अ चेंज देसी लुक में दिखाई दी, डॉनिंग अ प्रिटी रेड साड़ी। और अगर बात करें सोनम की पहनी हुई ज्वेलरी की, तो शी सीम्ड अ बिट ओवर ड्रेस्ड। आई यूजुअली डोंट वेयर सो मच ज्वेलरी एंड आई थॉट दैट आई थिंक आई शुड जस्ट एक्चुअली completely go mad this time. I hope I'm not looking too mad in it. बॉलीवुड के फैशनिस्टा सोनम खुद अपने लुक के बारे में थोड़ी अनश्योर दिखी। सोनम को लग रहा था जैसे कि वो ज्वेलरी की दुकान बन गई हो। मैं ज्वेलरी की दुकान हूँ आज। और शायद इसी वजह से सोनम अपने लुक को लेकर हो गई थोड़ी embarrassed. So I was a bit embarrassed by it actually. But I think it turned out okay. Well, Sonam, हमें लगता है it wasn't so bad after all. Thank you. Moving on to Chitrangada, she looked like a princess in a regal-like western gown and paired with traditional gold jewelry. Chitrangada लग रही थी काफी खूबसूरत। है ये वेस्टर्न आउटफिट्स का गाउन, लेकिन जो ज्वेलरी भी है द
दो इट्स इंडियन लेकिन आई थिंक आजकल द इंडियन ज्वेलरी कैन ऑल्सो बी वर्न विद वेस्टर्न आउटफिट्स सो दैट वाज द आईडिया ऑल्सो सीन ऑन द रैंप वाज मधुर भंडारकर ये रहा साल 2013 का IIJW का ग्रैंड फिनाले जिसमें उम्मीद के मुताबिक हमें कोई बड़ा शो स्टॉपर तो नजर नहीं आया लेकिन अपने ग्लैमर क्वोशन के चलते इस बार का पूरा IIJW काफी हेडलाइंस क्रिएट कर गया ट्यूजडे नाइट एकता कपूर की इफ्तार पार्टी में पूरी इंडस्ट्री आई लेकिन नहीं आई तो एकता की फेवरेट विद्या बालन कपूर लेकिन ऐसा क्या हो गया कि विद्या ने मुंबई में होते हुए भी एकता की इफ्तार पार्टी को मिस कर दिया एक इंग्लिश डेली की माने तो विद्या ने मुंबई में होते हुए भी एकता की खुशी में शामिल होना जरूरी नहीं समझा क्योंकि यहां सवाल उनके हबी सिद्धार्थ रॉय कपूर के प्रोडक्शन हाउस की फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस को टक्कर देने वाली एकता की फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा का जो था तो वो भला एकता की फिल्म को सपोर्ट करने क्यों आती खबर के मुताबिक डायरेक्टर मिलन लोथरिया ने विद्या को इफ्तार पार्टी में शामिल होने के लिए एक इनवाइट मैसेज भेजा जिसका विद्या ने रिप्लाई दिया आई एम ट्रैवलिंग वेल अब विद्या ने इफ्तार पार्टी में ना आने के लिए ये बहाना बनाया या उन्हें किसी ने पार्टी में आने से मना किया था ये तो पता नहीं लेकिन विद्या की बिल्डिंग के वॉचमैन ने कंफर्म किया कि ट्यूजडे नाइट विद्या मुंबई में ही थी जाहिर है विद्या ने ऐसा खुद को काजोल जैसी सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए किया होगा क्योंकि पिछले साल सन ऑफ सरदार और जब तक है जान की रिलीज के वक्त काजोल ऐसे ही धर्म संकट में फंस गई थी लेकिन विद्या अपने एकता की पार्टी में ना आकर भी अफसाना तो खड़ा कर ही दिया अब देखना ये है कि नेक्स्ट टाइम मीडिया के सामने आने पर विद्या बालन कपूर एकता की पार्टी में ना आने का कौन सा एक्सक्यूज देती है I always enjoyed going to the supermarket along with my kids. It's like my pastime, so I really enjoy it. सुना आपने? Shopping है श्रीदेवी का pastime. It's like my pastime, so I really enjoy it. जी हाँ, हर lady की तरह श्रीदेवी too just loves to shop and spend time at the supermarket. मैं खुद शॉपिंग बच्चों के साथ और सुपरमार्केट जाती हूँ और बहुत अच्छा लगता है लेकिन क्या श्रीदेवी के शॉपिंग क्रेज की वजह से हस्बैंड बोनी कपूर को कोई परेशानी होती है बोनी जी परेशान होते हैं जब मैं शॉपिंग नहीं करती हूँ Well, now that's what you call a supportive husband. I'm so lucky to have him as my husband because he is always there, always takes interest. Well, if you're wondering ki why all this talk on shopping, wo isliye kyunki Sridevi recently bani ek retail store chain ki ambassador aur unhone launch kiya is store ke first outlet ko. वेल तो ये रही शॉपहॉलिक श्रीदेवी लॉन्चिंग अ रिटेल स्टोर चेन लेकिन अगर आपको लगता है कि श्रीदेवी है हार्डकोर शॉपर देन थिंक अगेन क्योंकि श्रीदेवी से एक कदम आगे है हेमा मालिनी आप कितनी शॉपिंग करने वाले हैं अभी आप देखिए क्या क्या करने वाले हैं श्रीदेवी को टक्कर देने आई बॉलीवुड की एक और हार्डकोर शॉपहॉलिक हेमा मालिनी जिन्होंने एक हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन पर खुद से कर दी ये कमिटमेंट आप कितनी शॉपिंग करने वाले हैं अभी आप देखिए क्या क्या करने वाले हैं हेमा मालिनी जो रिसेंटली एक हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन पर गेस्ट ऑफ ऑनर बनकर आई थी उन्होंने भी इन अलग अलग हैंडीक्राफ्ट स्टोर्स में काफी टाइम स्पेंड किया एग्जीबिशन में आकर बहुत ही अच्छा लग रहा है कि अलग अलग प्रांत के हमारे देश में कितने अच्छे अच्छे काम करते हैं उसका डिस्प्ले हुआ है उसको देखकर बड़ी खुशी होती है वेल तो ये थी बॉलीवुड की दो आइकॉनिक हीरोइन स्पेंडिंग अ डे आउट डूइंग व्हाट दे डू बेस्ट शॉपिंग शॉपिंग बहुत अच्छा लगता है आप कितनी शॉपिंग करने वाले हैं अभी आप देखिए क्या क्या करने वाले हैं सो व्हाट मोर कैन वी से हैप्पी शॉपिंग टू बोथ ऑफ देम टाइम नो सी अभिषेक बच्चन रिसेंटली मीडिया के सामने आए टू अनवील हिज लेटेस्ट मैगजीन कवर
लेकिन इस मौके पर अभिषेक के साथ थे एक स्पेशल गेस्ट, दैट्स हिज मेकअप आर्टिस्ट अशोक सावंत। जो अभिषेक और बिग बी अमिताभ बच्चन के साथ इस कवर पर भी फीचर कर रहे हैं। हालांकि जब अभिषेक से जुड़ा कोई ऐसा सीक्रेट पूछा गया जो सिर्फ वही जानते हैं, तो अशोक हो गए नर्वस, जिस पर अभिषेक ने शुरू कर दी मस्ती। हम अभिषेक को जानते हैं, वो बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे एक्टर है, लेकिन ऐसा कोई एक सीक्रेट हमें जो बताइए उनका, जो हम नहीं जानते उनके बारे में। हाँ कुछ तो बताइए। संभल के, कल सुबह शूटिंग है। कुछ ऐसी कुछ अच्छी बात, कुछ एनीथिंग। हाँ अच्छी बात बोल दीजिए आप दादा। अच्छी बात यही है, इनका दिल बड़ा बहुत बड़ा दिल है। मुझे नहीं पूरी बात मैं पॉज कर रहा हूँ आपको। अच्छा ही बोलिए, बहुत अच्छे इंसान है। जब भी मुझे मेकअप करना हो मुझे मेकअप करने देते हैं। हाँ वो सब बोलो आप। कभी टेंपर नहीं लूज कर, कभी नहीं। और बस इसके बाद जो मस्ती और बातों का दौर शुरू हुआ, तो अभिषेक ने अपनी मच अवेटेड दोस्ताना 2 को लेकर भी शुरू कर दिया ये फन इंटरेक्शन। We've also been waiting for a very long time to make the film. How was the entire thing, you know, shooting process? We haven't started shooting yet, ma'am. We start shooting later in the year. I think November, if I'm not mistaken, is when we start shooting. साथ ही धूम 3 में आमिर के साथ काम करने का एक्सपीरियंस अभिषेक ने कुछ यूं शेयर किया। Dhoom is Dhoom, you know. It's the third time round. And we're looking forward to it. And Jay and Ali are back. And this time we have Amir with us. And you know what an honor for any actor to get the opportunity to work with Amir. And you know, you just get to learn so much by just observing him. And he's so helpful. He's so caring. He's so giving as an actor. That I really feel very honored to have got the opportunity to work with him. But that's not all. Kyunki Dhoom 3 aur Dostana 2 ke alawa, Abhishek ne yahan Shahrukh Khan ke saath Happy New Year mein double role karne ki news ko bhi confirm kar diya. So you playing double role is film mein, agar main galat na hoon to, news galat na hoon to, tell us kitne excited hai Dubai ke? I'm very excited. You know, to work with Farah. Farah's a dear friend. And I'm very excited to be part of Happy New Year, and I love working with Shahrukh. I worked with him in Kabhi Alvida Na Kehna, and I think he's taking too much time to do another film with me, and it's going to be a lot of fun. So I'm excited about it. Lekin after all this, what was surprising to hear from Abhishek was that he hates all his performances. Kyun? Ye aap inhi se suniye. I actually hate all my performances. I don't like any of my performances, and I hope I don't start liking them either, because I genuinely believe that the day you start liking your work is the day you become complacent. Whenever I see my work, and I see my work almost every day, I review my work, I make notes, I always find something I can improve, and somewhere that tells me that okay, you're learning on the job, you know, you're trying to improve every day. Care professional friend ke baad baat jab personal life ki shuru hui, to yahan bhi Abhishek ne kaafi acche mood mein ye jawab diye. That drives me nuts about her, right? If you see her and if you know her, you know there isn't much on that. She's just brilliant, and yeah, I have no complaints. Well, we guess Abhishek यहाँ कुछ ज्यादा ही अच्छे मूड में आए थे, तभी तो मीडिया से नॉन स्टॉप बातें करने में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। No, I can answer. I like talking. All in all, ये रहा अभिषेक का super fun and talkative side. Here's hoping to see him soon on screen. सुरुचि महातपुरकर, कोरे, Zing, मुंबई. That's all that's making news for now. आपको हमारा ये शो कैसा लगता है ये आप में बता सकते हैं SMS करके Zing Space Feedback to 5705, और हमें ईमेल कर सकते हैं zing@znetwork.com. You can now follow us on Twitter. Log on to www.twitter.com/zingtv. That's all for now. You stay tuned with us as we will ensure to keep you updated on all the latest buzz from Tinseltown exclusively on Zing.